2017 14th के दिन पे राजशेखर रेड्डी एक पर्सन राजशेखर रेड्डी एंगेज डे ओला कैब के इधर राजेंद्र नगर में उतरे। उतरने के बाद उन्हें मालूम हो रहा उसको आइडेंटिफाई किया, उसके साथ 3 लाख का कैश बैग उसमें भूल के उतर गया। जबकि उन्हें देख ले ऐसे टाइप पे वो ओला कैब वापस चले गए। उन्हें इमिडिएटली आके पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट के हिसाब से केस का रजिस्टर करके ओला मैनेजमेंट से कार का ओनर का पर्टिकुलर्स लिया। ओला का रिकॉर्ड के हिसाब से तो ओनर एंड ड्राइवर इज प्रदीप, वो प्रदीप को पकड़े। तो प्रदीप बोले हम दूसरा ड्राइवर नरेश बोल के एक ड्राइवर को दिया बोल के बोले। तो कल रात उसके गांव में जाके तिम्मापुर मंडल यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में गांव में उसको पकड़ के उसके घर में सर्च करे तो 3 लाख कैश इंटैक्ट मिला। उसे पकड़ के अरेस्ट करके अभी कोर्ट में रिमांड कर रहे हैं कि पहले ऑफेंस है। इससे पहले भी उसका बैकग्राउंड इंक्वायरी चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कोर्ट में फाइल कर। सर ये ओला कैब के ऊपर कुछ नोटिस वगैरह दे रहे थे, एक जन रजिस्टर्ड रख के दूसरे को गाड़ी दे रहा है, ये पूरा हुआ कैब पक्का देते हैं। ओला कैब के केस के हिसाब से हम नोटिस दे रहे हैं। प्रदीप उसका रिकॉर्ड के ओला के रिकॉर्ड के तरह हिसाब पे प्रदीप चला रहे गाड़ी, वो नंबर भी प्रदीप का नाम पे है एक मोबाइल नंबर। तो प्रदीप चलाना अगर ड्राइवर चेंज करके उसका प्रदीप का एंटीसिडेंट वेरीफाई करके उसको ओला सर्टिफिकेट देती, उसका एंटीसिडेंट सच्चा हो तो इससे पहले केसेस नहीं हो तो उसको देते। प्रदीप दूसरों को ले रहे दे रहे उसको ओलो को भी नोटिस सब कर। तो प्रदीप के ऊपर भी कोई केस चीटिंग नहीं होता? चीटिंग नहीं होता, नेग्लिजेंस होता। उसका ओला का अग्रीमेंट को देखना पड़ता, ओला का अग्रीमेंट है उन्हें लीगल नोटिस देते होंगे। हाँ इज इनका ये केस ने उन्हें हमें हेल्प करे वो आइडेंटिफाई करने में आपको मदद दिया हमने। उसके हिसाब से उसको नोटिस कंपनी दे के उसको टर्मिनेशन करते हुए क्या करते हैं, नेग्लिजेंस है वो भी प्रदीप का भी नेग्लिजेंस है।